नमस्कार दोस्तों, केएनएन न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भारती व्यास, आज फिर मौजूद हूं एक नई खबर के साथ। डीएचएफएल के ठिकानों पर दिल्ली मुंबई में सीबीआई की छापेमारी। यस बैंक धर्म संकट में। यस बैंक पर आए आर्थिक संकट के बाद अब एजेंसियों ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बैंक को फाउंडर राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी हिरासत में ले लिया और 11 मार्च तक हिरासत में उनसे पूछताछ जारी रहेगी। दूसरी ओर राणा कपूर के परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। आज दिल्ली से जांच एजेंसियों की टीम मुंबई जाएगी और मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यस बैंक मामले में सीबीआई की ओर से कई जगह छापेमारी की गई है। दिल्ली और मुंबई में सीबीआई ने सोमवार सुबह छापेमारी की। इस दौरान डीएचएफएल से जुड़े ठिकानों पर भी सर्चिंग की गई है। सीबीआई जिन स्थानों पर छापे मार रही है उनका संबंध राणा कपूर, डीएचएफएल, आरकेडब्ल्यू ज्वेलर्स और डीयूवीपी से है। इसके अलावा मुंबई के बांद्रा में मौजूद एचडीआईएल के टॉवर में भी सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई। यस बैंक पर आए इस तरह के संकट ने लाखों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और मामले को अपने कब्जे में लिया। रविवार तक कई एजेंसियां इस मामले में शामिल हुई और अलग अलग मोर्चे से जांच शुरू की। ईडी ने पहले राणा कपूर को हिरासत में लिया, उसके बाद राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को एयरपोर्ट पर रोका गया। अब इस मामले से जुड़ा एक केस सीबीआई ने भी दर्ज कर लिया है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या यस बैंक को धर्म संकट से मिल पाएगा छुटकारा। इसी के साथ हमारे केएनएन न्यूज़ के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखते रहिए देश दुनिया की लाइव खबरें। बने रहिए केएनएन न्यूज़ रूम इंदौर।